हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ NFA के ऊपर, जहाँ पर हम उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, L1 एक लैंग्वेज है जो कि है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद वन, जो कि आपकी वन से एंड हो रही है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। हमारे पास में सबसे पहले होगी स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, हमें चाहिए एंड हो जो कि वन से एंड हो, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 0 और 1। और जैसे ही इसको 1 मिले तो ये स्टेट चेंज कर जाएगा, और ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्सेप्टिंग स्टेट में आ जाएगा, फाइनल स्टेट में। आपका क्वेश्चन है कि यार एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने 0 और 1 क्यों रखा? इसको इनकमिंग को ऐसे रखो, ये इनिशियल स्टेट है, तो मैंने यहाँ पर 0 और 1 क्यों रखा? मतलब 0 भी रख सकता था, तो फिर बाद में सिर्फ ये ही एक्सेप्ट होता, सिर्फ ऐसी ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती। लेकिन हमें तो कोई भी चलेगा, लास्ट में 1 होना चाहिए। लैंग्वेज तो ये है, लैंग्वेज क्या कह रही है कि कोई भी स्ट्रिंग चलेगी जिसके लास्ट में 1 हो। ठीक है, तो बेसिकली वो स्ट्रिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 और 1 दोनों लगा दिया। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में ये है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, अगर 0 आया तो वो ए में ही रहेगा। ठीक है, 1 आने पर वो 2 स्टेट दे रहा है, कौन कौन सी, ए और बी। ठीक है, 1 आने पर 2 स्टेट आई हमारे पास में, ए और बी। फिर हमें 0 मिला, तो क्योंकि बी के ऊपर तो हमारे पास में 5 पहुंच गए हम, तो इसके थ्रू तो जा नहीं सकते, यहाँ पर इसी में रहना पड़ेगा। तो फिर अगर हमारे पास में 0 आया तो हम वापस से कौन सी स्टेट में है, ए में ही है। फिर से अगर हमें बी मिला तो हम 2 स्टेट हमें है हमारे पास में, एक तो ए है और एक है बी। ठीक है, फिर से 1 आने पर, अब ये है हमारे पास है फाइनल, फाइनल जो स्टेट्स हैं वो है हमारे पास में ये 3। क्या इनमें से, इस सेट में से कोई भी एक्सेप्टिंग सेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है? हाँ है, बी है, तो दिस इज एक्सेप्टेड। रूल क्या कहता है कि फाइनल एट लास्ट हमें कोई एक ऐसा मिलना चाहिए जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट हो। ठीक है, सो दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस NFA। ओके, सो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, लैंग्वेज 2 है हमारे पास में सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स 0। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारे पास में हो गया इनिशियल स्टेट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 0 और 1 आया तब ए में रहेंगे, और जैसे ही 0 आया हम स्टेट चेंज कर देंगे और हम पहुंच जाएंगे बी के अंदर। उसके बाद में भी अगर कोई 0 या 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पूछ सकते हो कि यार मैंने 1 आने पर यहाँ क्यों रखा, 0 और 1 क्यों रखा? कुछ भी हो सकता है यार, कि मान लीजिए कि सिर्फ हमें एक ही तो 0 चाहिए, तो ये भी ओके है, दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर 0 ना भी दूँ तो भी काम चल जाएगा इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर 0 ना दूँ, सिर्फ अकेला 1 दूँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर 0 भी आ रहा है तो इट्स ओके। एग्जाम्पल के लिए एक एक एग्जाम्पल इनका देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं देख लेता हूँ 1 1 0। ठीक है, लास्ट में इसके 0 है, क्या एक्सेप्टेड है? तो देखते हैं, ए से स्टार्ट हुआ है, 1 आया तो वापस से ए में ही रहेगा, फिर से 1 आया तो ए में ही रहेगा, 0 आने पर 2 स्टेट है इसकी, एक तो ए और एक बी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस है, बी है, तो दिस इज एक्सेप्टेड। देखिए, NFA में हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 1 और 0 पे 2 ही रख रहे हैं,
क्योंकि मल्टीपल जो स्टेट्स हैं, मल्टीपल जो ट्रांजिशन है, एक टाइम पे इनपुट हम दे सकते हैं और उसमें वो मल्टीपल स्टेट में वो जा सकती है, ठीक है। तो यही मतलब हम बोल सकते हैं कि अच्छा पार्ट है NFA का हमारे हमारे पास में, वो DFA में हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, L3 लैंग्वेज है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद, जो कि स्टार्ट हो रही है किसके साथ में, वन और जीरो के साथ में स्टार्ट हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, तो वन और जीरो के साथ में स्टार्ट हो रही है तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 0 0 0, पहले सबसे पहले तो 1 0 अपने आप में, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0 अप टू एन, लेकिन स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग, हम उसको सबसे छोटा लेकर उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। हमारा रूल यही कहता है कि सबसे छोटा लो और उसे एक्सेप्ट करवाओ। ए लिया इनकमिंग, हमने सबसे छोटा लिया 1, तो 1 आने पर ये स्टेट चेंज कर जाएगा और ये बी में चला जाएगा, फिर ये 0 आएगा तो ये स्टेट चेंज कर जाएगा और ये किस में चला जाएगा, सी के अंदर, जिसको हम बना देते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट। उसके बाद में 1 आए या 0 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी स्टेट में रहेगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर इन किसी भी स्टेट के अंदर कोई और वैल्यू आ गई तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक तो एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग देखते हैं और एक नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग देखते हैं। तो 1 0 1 1 1 का देखते हैं, ए आया सबसे पहले, ए अगर 1 है तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, बी में, फिर 0 आया, 0 से वो चला गया सी में, फिर 1 आया, 1 से वो वापस से स्टेट किस में रहेगा, सी में रहेगा, फिर 1 आया, मैं लिखते जाता हूँ 1 0 1 1, फिर से सी में, और एक और बार 1 आया वो वापस से सी। क्या सी एक एक्सेप्टिंग स्टेट है, यस, सो दिस इज एक्सेप्टेड बाय दिस NFA। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि नॉन एक्सेप्टिंग होगा, 1 0 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ए के अंदर मैं गया, हमें 1 मिला, मैंने स्टेट चेंज कर लिया बी, लेकिन बी के अंदर 1 मिलते ही कौन सी स्टेट आएगी, 5, हमारे पास में कोई स्टेट ही नहीं है, बी से कोई और स्टेट है नहीं, तो ये हो गई हमारी डेड स्टेट, इससे आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर NFA, सो दिस इज डेड स्टेट, आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, 4 अब है, 4 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, 4 कहती है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब का सेट, स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स कंटेन सॉरी 0 एंड 1, ठीक है, इसके अंदर 0 और 1 है, पर फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पर हो, पोजीशन फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए सबसे पहली तो होगी 0 और 1 अपने आप में खुद, फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पोजीशन डजेंट मैटर एट ऑल, वो शुरुआत में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करवाओ उसको, मिनिमम लेकर ए लिया आपने, अगर 0 आया तो वो स्टेट चेंज कर जाएगा, ठीक है, बी में चला गया, जैसे ही 1 आया वो चला गया आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट में, ठीक है। अगर इसके बाद में 0 या 1 आया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी भेजिए इसको, इसके बाद में 0 और 1 की कंडीशन में, यहाँ इस कंडीशन में अगर 0 और 1 आया तो वो यहीं पे ही रहेगा, 0 और 1 आया तो, ठीक है। सो दिस इज आवर ये, लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर बी ये यहाँ पर चला गया, बी में आ गया, और यहाँ पर 1 आकर अगर 0 फिर से आ गया, तो 0 फिर से आ गया तो उसको कहीं और भेजने की जरूरत नहीं, आप उसको डेडलॉक की तरफ भेज सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0 0 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0 से, ए से,
सो 0 आया, तो ऑफ कोर्स हमारे पास में दो स्टेट में जा सकता है, या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा, ठीक है, 0 आने पर, ठीक है। फिर बाद में अगर वो ए में जाएगा, बी में जाएगा सपोज, तो उसके बाद में कौन सा नंबर है, 0, तो उसकी वजह से तो 5 में चला जाएगा। तो हम इसकी तरफ से जाते हैं, अगला है 0, तो वापिस से ए में ही हमारे पास में दो कंडीशन आ जाएगी। फिर से हमारे पास में 0 आने पर दो कंडीशन है, या तो ए या तो बी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर 1, अगर वो बी में आने के बाद में अगर वो 1 की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो सी में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो सी में पहुंच गया। उसके बाद में अगर 0 है तो वापस से सी के अंदर ही रहेगा। अगर इस रूट के थ्रू जाते तो अगर 1 आता तो 1 के अंदर वो ए के अंदर ही रहता, फिर से अगर 0 आता तो वो ए के अंदर ही रहता। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग, क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस, दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट। तो क्या ये पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग है या हाँ, क्योंकि इस लास्ट मैट लास्ट हमें कोई एक स्टेट ऐसी चाहिए जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट हो, तो सी हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है, इसीलिए पूरी स्ट्रिंग हो गई वो है एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। दिस इज एक्सेप्टेड बाय दिस एनएफए। सो आई होप दिस इज यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑल आई हैव टॉट यू, एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। And thank you for your patience. Happy learning.